प्यारे बच्चों आदाब कैसे हैं आप खैरियत से है ना अच्छा पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी नज़म हाथों का तराना इस नज़म का शायर कौन है अच्छा अली सरदार जाफरी इस नज़म में शायर किसके बारे में कहते हैं जी हाँ हाथों के बारे में ये हाथ किसके हैं जी मज़दूर के ये मज़दूर के हाथ है इस नज़म में शायर मज़दूरों के हाथों की आज़मत और अहमियत पर बयान करते हैं बच्चों आप स्क्रीन पर देखिए करो दुनिया के चलाने वाले इन हाथों को तसलीम करो तजीम करना तकरीम करना तस्लीम करना ये तीनों ये बंद की अहम बातें हैं क्या है तजीम करना अच्छा बहुमानिकुगा क्या है तिक्रीम करना तक्रीम करना आदरिका तस्लीम करने के माना क्या है जी अंगीगिर इस बंद में शायर मजदूरों के हाथों की तहजीम करना और तक्रीम करना और तस्लीम करने को कहते हैं ये कविदील कवि मजदूरों के हाथों की तेज़ीम करना तक्रीम करना और तस्लीम करने को कहते हैं प्यारे बच्चों शायर हाथों की तक्रीम करना और तस्लीम करने को क्यों कहते हैं जी हाँ हाथ दुनिया को चलाते हैं ये हाथ मजदूरों के हाथ दुनिया को चलाने वाले हैं इसलिए शायर मज़दूरों के हाथों की तजीम करना तक्रीम करना और तस्लीम करने को कहते हैं बच्चों इस बंद का मतलब देखिए नजम हाथों का तराना के पहले बंद में शायर हाथों की तज़ीम तक्रीम और तस्लीम करने को कहते हैं यहाँ मज़दूरों के हाथों के बारे में शायर का बयान है क्योंकि दुनिया को चलाने में मज़दूरों के हाथों का बड़ा हिस्सा है मज़दूरों की मेहनत और कोशिशों से दुनिया आगे चल रही है नज़म का दूसरा बंद देखिए तम की भरपूर जवानी से भरपूर जवानी से दुनिया का फसाना इनसे है दुनिया का फसाना इनसे है। सांग की कहानी इन है। इन हाथों की ताजीम अच्छा तारीख के माना क्या है तारीख हिस्ट्री मशीन से क्या मुराद है यद्रम पहिया क्या है पहिया पहिया व्हील चक्रम रवानी अच्छा उड़क താരിഹോർ മെഷീനോകെ കി റവാനി കിസ്സേ ഹബാഷ് താരിഹോർ മെഷീനോകെ കി റവാനി മസ്ദൂറോ കെ ഹാത്തോസേഹെ തൊഴിലാളികളുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രവാഹം ഗതിയൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത് തെഹസീബ് ക്യാ ഹെ അച്ഛ കൾച്ചർ സംസ്കാരം തമദുൻ तमदुन से क्या मुराद है नागरिकता भरपूर जवानी इसके माना क्या है अच्छा यूथफुलनेस निरा यो तहजीब और तमदुन की भरपूर जवानी किससे है अच्छा तहजीब और तमदुन की भरपूर जवानी हाथों से है दुनिया का फसाना इनसे है इंसान की कहानी इनसे है फसाना कहानी स्टोरी कथा दुनिया का फसाना हाथों से है और इंसान की कहानी हाथों से है इसलिए शायर इन हाथों को तक्रीम तज़ीम और तस्लीम करने को कहते हैं इस बंद का मतलब देखिए शायर कहते हैं कि तारीख़ और मशीनों के पहियों की रवानी और हरकत मज़दूरों के हाथों से होती है यानी दुनिया की हरकत मज़दूरों के हाथों से ही होती है तहजीब और तमद्दन की जवानी दुनिया का फसाना और इंसान की कहानी मज़दूरों के हाथों से है इसलिए इन हाथों की तहजीम करना तिक्रीम करना और तस्लीम करना हमारा फ़र्ज़ होता है बच्चों अब हम नजम का तीसरा बंद देखें सदियों से गुजर कर आए हैं ये ने कौरब को, को जानते हैं ये कौरबद को, को जानते हैं ये दोस्त है सारे आलम के पर दुश्मन को पहचानते हैं पर दुश्मन को സദി കൂറ്റാണ്ട് ഗുജർകര ആ കടന്നുവരേഗ नन्मयम तिनमयम सदियों से गुजरते हुए नेक और बद को जानते हुए मज़दूर इस दुनिया में आज भी मुतहरक है यानी दुनिया के शुरू से लेकर आज तक मज़दूर काम करते रहते हैं मज़दूर किसके दोस्त है जी मज़दूर सारे आलम के दोस्त है मज़दूर किसको पहचानते हैं अच्छा मजदूर दुश्मन को पहचानते हैं ये किसका अवदार है अच्छा हाथ खुद शक्ति का अवदार है खुद शक्ति स्वयं शक्ति ये किसकी शक्ति मानते हैं अच्छा गैर की शक्ति मानते हैं अच्छा, है। हाथ खुद शक्ति का अवदार है साथ साथ दूसरों के शक्ति भी मानते हैं बच्चों तीसरे बंद से शायर क्या क्या कहना चाहते हैं देखिए शायर कहते हैं कि इस दुनिया में सैकड़ों सालों से मज़दूर लोग ज़िंदा है दुनिया के शुरू से लेकर आज तक वो काम करते रहते हैं वो अच्छी और बुरी बातों को समझने वाले हैं वो सारी दुनिया के दोस्त है और अपने और दुनिया के दुश्मनों को पहचानने वाले हैं। मजदूर खुद शक्ति का अवदार है और उसके साथ साथ दूसरों की शक्ति को मानते हैं इसलिए इन हाथों की तंजीम करना तक्रीम करना और तस्लिम करना हमारा फर्ज होता है बच्चों अब हम इस नजम का चौथा बंद देखें है ये खामोशी से सौ बर्ब तो चंग बनाते हैं सौ बर्ब तो चंग बनाते हैं तारों में राग सुलाते हैं तबलों में बोल छुपाते हैं तबलों में बोल छुपाते हैं जब साज में जुम्बिश होती है तब हाथ हमारे गाते हैं। इन हाथों की तजी करो मजदूर लोग खामोश है वो खामोश होकर काम करते हैं वो क्या क्या बनाने वाले हैं? जी बर्बतोर चंग वो मीठी आवाज़ उठाने वाले बर्बत और चंग बनाने वाले है बच्चों बर्बत क्या है जी बर्बत एक मौसीकी आला है तो चंग क्या है अच्छा चंग सितार के जैसे एक मौसी आलत है तार के माना स्ट्रिंग्स यानी तंद्रिगल। मज़दूर लोग थारों में किसको सुलाते हैं अच्छा राग मज़दूर लोग थारों में राग सुलाने वाला है वो तबलों में क्या छुपाते हैं जी हाँ वो तबलों में बोल छुपाते हैं तबला एक आफहम मूसीकी आला है जिसकी आवाज़ के ताल को हम बोल कहते हैं तबले उड़े ताल ता नम्बर बोल इन पर साज क्या है अच्छा साज भी ये किस्म का मसीख़ी आला है साज़ में जुम्बिश होने से क्या मुराद है साज में जुम्बिश होना साज में हरकत होना साज में जुम्बिश होते तो क्या होते हैं? अच्छा हाथ गाते हैं നി സാസ് ബജാത്തേഹ് യാണി മൂസീ ആലാത്ത് കേഗീത് കോ ഹാരെ ഹാത്തിഹി ബഹർലാത്തേഹ് എല്ലാ സംഗീതോപകരണുടേയും ശബ്ദത്തെ കരങ്ങളാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മൂസീ ആലാത്ത് ഹാത്ത് ബനാത്തേഹ് ഓർ ഹാത്തി ഹി ബജാത്തേഹ് എല്ലാ സംഗീതോപകരണങ്ങളും കൈകളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതും കൈകളാണതിനെ വായിക്കുന്നതും ബച്ചോ इस बंद का मतलब आप स्क्रीन पर देखिए मज़दूर लोग खामोश है लेकिन वो खामोशी से बरबत और चंक जैसे मौसी आलात बनाते हैं उनके बनाए हुए मौसी आलात के तारों में राग बहुत है और तबलों में अच्छे अच्छे बोल भी है सांस में जुम्बिश या हरकत होती तो उनके हाथ भी साथ गाते हैं यानी मजदूरों का हाथ नहीं तो कोई चीज़ नहीं चलने वाली है इसलिए इन हाथों की तहजीम करना तिक्रीम करना और तस्लीम करना हमारा फर्ज होता है अब हम इस नज़म का आखिरी बंद देखें ये सरहद सरहद जड़ती है और मुल्क जाती है और मुलों मुल्कों जाते हैं बाहों में बाहें डालते हैं और दिल से दिल को मिलाते हैं और दिल से दिल को मिलाते हैं फिर ओ सितम के पैरों की के पैरों की जंजीर गिरा बन जाते हैं जंजीर गिरा बन जाते हैं इन हाथों की तजीम करो सरहद के माना क्या है अदरती बाउंड्री जुड़ने से क्या मुराद है जुड़ना यो सरहद सरहद कौन जुड़ते हैं अतिरती तमिल आरान बंधिपिक अच्छा मज़दूर मज़दूरों के हाथ सरहद सरहद जुड़ते हैं बच्चों कौन मुल्कों मुल्कों जाते हैं जी मजदूर मजदूर कई मुल्कों में जाते हैं यानी हर मुल्कों में मजदूर होते हैं बाहों में बाहें डालना इसके मतलब क्या है इसके मतलब तोड़ ओड तोड़ चरकूगा बाहों में कौन बाहें डालते हैं अच्छा मज़दूर मज़दूर लोग बाहों में बाहें डालते हैं यानी वो इतिहाद और इतिफाक से रहते हैं तो लाड़ीगल आइय तोड़ेम योजि पोड़ेम करियनों बच्चों मजदूर लोग दिल को दिल से मिलाते हैं ദിൽകോ ദിൽസെ മിലാന ഹൃദയങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുക മസ്ദൂർ ലോക് ദിൽകോ ദിൽസെ മിലാത്തേ ഹെ തൊഴിലാളികൾ ഹൃദയങ്ങളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുന്നവരാണ് വ സിത്തം ഇസ്കെ മുറാദ് ക്യാ ഹേ ന ഇൻസാഫി അക്രമങ്ങളും അനീതികളും ജീർ ഗിറാൻ ഇസ്കെ മത്ലബ് ഭാര് ഭാര് मज़दूर लोग म वसीतम और ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं। वो ना इंसाफ़ी के पैरों पर भारी भारी जंजीर बन जाते हैं तिलाड़ीगढ़ तो अक्रमल कोनील कम इधरे शब्दिकुनवर बच्चों, इस बंद में शायर क्या कहना चाहते हैं आप देखिए है। इस बंद में शायर कहते हैं कि मज़दूरों के हाथ सरहद सरहद जुड़ने के काम करते हैं और वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं ये बाहों में बाहें डालकर दिलों को दिलों से मिलाते हैं मज़दूर लोग जुल्मों सितम और नाइंसाफी के ख़िलाफ़ आवाज़ उड़ाते हैं और उनके जुल्म व सितम के पाओं में भारी भारी जंजीरें बन जाते हैं इसलिए इन हाथों की तंजीम करना तक्रीम करना और तस्लीम करना हमारा फर्ज होता है ठीक है बच्चों इस नजम का मतलब आपकी समझ में आई होंगे इस नजम में शायर मजदूरों के हाथों की तजीम करना और तक्रीम करने को कहते हैं बच्चों आप ये तस्वीर देखिए ये कौन है जी अली सरदार जाफरी है अली सरदार जाफरी उर्दू के मशहूर तरकी पसंद शायर है उनके बारे में आप और क्या क्या जानते हैं जी वो एक ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता है अध्यम ज्ञान पुरस्कार जेदावाण बच्चों, हमारी दरसी किताब में उनकी एक सवान ही नोट है हम एक बार सुने अली सरदार जाफरी अली सरदार जाफरी का शुमार उर्दू के मशहूर तरक् पसंद शायरों में होता है। उनकी विलादत सन ईस्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हुई वो एक मशहूर निकात और दानिश्वर भी है नई दुनिया को सलाम एक ख्वाब और पत्थर की दीवार लहू पुकारता है उनके अहम शेरी मजमूए है शायरी के साथ नसर में भी उन्हें कुदरत उन्होंने जुल्म और ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई है इंसान दोस्ती के जज्बात सियासी कौमी शोर और अवामी मसाइल की अक्का जैसे मौजूद उनके कलाम में मिलते हैं सन उन्नीस सौ ईस्वी में उनको से गया। उनका सन 2000 को मुंबई में हुआ बच्चों अली सरदार जैफरी के बारे में आपने क्या क्या मालूम हासिल की आप उनके बारे में मालूम पूरा करके ടീച്ചർക്കോ ഭേജ് ദജി അലി സർദാർ ജാഫരി പൈതായിഷ് പൈതായിഷ് ജനനം ഷുഹ്രത് ഷുഹ്രത് പ്രശസ്തി അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ മേഖല അഹം ശേരി മജുമുഎ ശേരി മജുമുഎ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ കലാം കെ അഹം മൗജൂആാദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ അവാഡ് ഇന്ത്കാൽ दे मरणम बच्चों इन मालूमत पूरा करके अपने टीचर को भेज दीजिए प्यारे बच्चों अब हम यह तस्वीर देखे तस्वीर में क्या क्या है जी दो हाथ है हाथों में क्या क्या चीजें हैं जी हाथों में हवाई जहाज है और क्या है रॉकेट रॉकेट और क्या क्या है मोटर गाड़िया यानी कार है और बड़ी इमारत है बच्चों ये हाथ किसका निशान है अच्छा हाथ मेहनत का निशान है काम की अलामत है मेहनत करने के लिए काम करने के लिए हाथों की जरूरत है दुनिया में हाथों के बगैर कोई भी काम कर नहीं सकता बच्चों आप ये शेर गौर से देखिए सदियों से गुजर कर आए हैं ये नेक और बद को जानते हैं ये दोस्त है सारे आलम के पर दुश्मन को पहचानते हैं खुद शक्ति का अवदार है ये कब गैर की शक्ति मानते हैं इन हाथों की तज़ीम करो बच्चों इस बंद में शायर क्या क्या बातें बयान करते हैं अच्छा हाथों के बारे में बयान करते हैं मज़दूरों के हाथ सदियों से काम करते हैं सदियों से मेहनत करते हैं और क्या है वो नेक और बद को यानी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचानते हैं अब तिलिगल नन्म तिनमें तिरछरियनवरान और क्या है अच्छा वो सारे आलम के दोस्त है और दुश्मन को पहचानने वाले हैं। इस शेर में शायर मजदूरों के हाथों के बारे में और क्या क्या बता रहे हैं अच्छा वो खुद शक्ति का अवदार है और दूसरों के शक्ति को मानते हैं मतलब शक्तिये अंगीकर स्वयं शक्तरुमानीगल देखिए बच्चों हमारी दरसी किताब में एक सरगर्मी है आप स्क्रीन पर देखिए सदियों से गुजर कर आए हैं ये नेक और बुध को जानते हैं ये दो सहसारे आलम के पर दुश्मन को पहचानते हैं खुद शक्ति का अवदार है ये कब गैर की शक्ति मानते हैं इन हाथों की तज़ीम करो बच्चों हाथ के बगैर दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता इन अशार की रोशनी में शायर के ख़याल क्या क्या हैं अपने अल्फाज में लिखिए बच्चों इस सवाल के जवाब लिखकर अपने टीचर को भेज दीजिए बच्चों ये तस्वीर देखिए ये कौन है जी हाँ ये उर्दू के मशहूर तरक् पसंद शायर खैफ़ी आज़मी है ठीक है ये कौन है अच्छा ये असरारुल हक मजाज है ये भी उर्दू के मशहूर तरकी पसंद शायर है ये तस्वीर देखिए ये कौन है साहिर लुधिया नबी अच्छा साहिर लुधिया नबी उर्दू के और एक मशहूर तरकी पसंद शायर है बच्चों तरकी पसंद शायर से क्या मुराद है तरकी पसंद शायर इन पारनाल अच्छा तरक्की पसंद तहरीक से तैलुक रेखने वाला शायर तरक्की पसंद तहरीक क्या है आप इसके बारे में क्या क्या जानते हैं अच्छा अब हम तरक्की पसंद तहरीक के बारे में चंद बातें सुने आगोल साहित्य प्रस्थान माया पुरोगमन साहित्य प्रस्थान तिने तुड़कम कुरिचदे पत्तम्बदाम नूचांडिल यूरोपिलाने इंडिया इल आयरती तोलायरती ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഭക്ഷണം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം എന്നിവയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നതാണ് പുരോഗമന സാഹിത്യം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം സാഹിത്യം ആസ്വാദനത്തിന് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നന്നാക്കാനും ഉള്ളതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം ചിന്തകൾ സാമൂഹ്യ ബോധം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി സ്ക്രീൻ കൈഫി ആമി പേദായിഷ് ചൗദ ജാൻവരി ഉന്നീസ് സൗ ഉസ് ഈസ്വീകോ ഐസംഗഡ് മേ അസൽനാം യഥാർത്ഥ പേര് സയ്യദ് അതഹർ ഹുസൈൻ റിജ്വി തഹ്ലുസ് തൂലിക നാമം കൈഫി ആസ്മി വാലിദ് സയ്ദ് ഫുസൈൻ റിജ്വി ഷുഹ്രത്ത് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തമായ മേഖല തർക്കി പസന്ദ്ഷായ ഫിലിമി നഖ്മാ നികാർ മൻസർ നമാനികാർ മുക്കാലമാനികാർ തസാനിഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ആഹ്രീ ഷബ് ആവാര സജദെ മേരി ആവാ സുനോ സർമായ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉറുദു അക്കാദമി അവാർഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഉറുദു അക്കാദമി അവാർഡ് വഫാത്ത് दस मई 2002 हज़ार दो ईसवी को मुंबई में बच्चों अब हमने कैफी आजमी के बारे में छत बातें पढ़ी इन मालूम की मदद से कैफी आजमी के बारे में एक सवान ही नोट तैयार करके अपने टीचर को भेज दीजिए बच्चों हमारी दरसी किताब में और एक अहम सरगर्मी है अब देखिए तरकी पसंद शुर् को पहचानिए इंटरनेट और गोशा मुताला की मदद से उनके चंद अशार जमा कीजिए और पसंदीदा एक पर मुख्तसर नोट तैयार कीजिए प्यारे बच्चों आज का क्लास यही ख़त्म होता है फिर मिलेंगे शुक्रिया खुदा हाफिज